तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं काम करवा रहा हूं ऑडी A3 में। इसमें फॉग लाइट डल रही है जो कि है क्रिस्टल आई के ट्रांसफॉर्मर सीरीज, और ये फॉग लाइट डलेगी अपनी यहां पे क्योंकि ये गाड़ी में फॉग लाइट आती है। मतलब ये वाली मॉडल से ना फॉग लाइट देना ऑडी ने बंद कर दिया था। मैं बस इसलिए लगवा रहा हूँ कि अब ये पापा चलाएंगे गाड़ी तो मेरे बापू जी चलाएगा, तो उनको मैं बोला उनको कोई भी दिक्कत ना हो करके मैं बोला फॉग लाइट इसमें एक डलवा देनी चाहिए। और कब कहाँ क्या काम आ जाए फॉग लाइट तो वही है। और मैं जितना भी हाईवे रन किया सब रन, मतलब जितना हाईवे पर चलाया हूँ, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि इसमें अब एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत है। और ऐसे भी नहीं है कि ये लाइट कुछ, मतलब इसमें वायरिंग कटिंग कुछ नहीं कटेगी, ये डायरेक्ट अब हम लोग इसमें फिट कर देंगे। कपलर टू कपलर इसमें काम होगा, सो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि इसका वायर कटेगा या कुछ कटेगा। ये क्रिस्टल आई जो इसका लाइट का परफॉर्मेंस है भाई क्या जोरदार है। अभी संजय भैया खोल रहे हैं, मैं एक बार सारे नट खुल जाए तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ कौन से नट है, उसके हिसाब से आपको अगर आप अपनी गाड़ी A3 में या कोई भी ऑडी में डाल रहे हो, क्योंकि ऑडी में ज़्यादातर फॉगलाइट इसी एरिया में डलती है, ये दो एरिया में आपकी फॉगलाइट डलती है। सो अब जहाँ पर भी आप अपनी लाइट फिट कर रहे हो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा दूंगा कि कहाँ कैसे क्या सब लाइट डल रही है, वायरिंग कैसे हो रही है, सारी चीज़ें मैं एकदम डिटेल में आपको बताऊँगा इस गाड़ी में कैसे कर रहे हैं हम लोग। संजय भैया क्या हम लोग भूल रहे हैं नाम उसका, ये भी बोलते हैं यहाँ से कितने, आप यहाँ से कितने नट निकाले, 4 5 15 20 नट। अरे वैसे नहीं, वो नहीं पूछ रहा मैं, इधर कितने नट लगे हुए थे, इधर पे 3 हाँ, यहाँ पे 4 हाँ, 5 और 6 7 यहाँ 8 हाँ, 9 हाँ, और नीचे के ट्रे के जो निकाले वो अलग 4 4 5 इसमें निकाले। अच्छा ठीक है, इसको डायरेक्ट स्विच में देंगे कि अलग से अपन बटन दे दे, अलग से बटन दे वो मतलब डायरेक्ट हेडलाइट से ज्वाइन नहीं करता अपन, फोकट में नहीं करना डायरेक्ट उसमें, हाँ क्योंकि वो जरूरी है, जरूरत हाँ हाँ ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तभी करेंगे। हाँ बात तो सही है, सिटी में तो इतना हेडलाइट का जरूरत पड़ता नहीं तो काहे इतना फोकट में वो करे, फिर सामने वाला भी अलग गाली देगा। हाँ ठीक है, तो गाइस बम्पर खोलने का सबसे बढ़िया पहले ऊपर के ये 3 नट खोल लो, नीचे आपके यहाँ पे 5 नट रहेंगे, इसके नीचे 5 6 नट रहेंगे, बस आपको नट खोलना, और इसके यहाँ पे अंदर में एक नट रहेगा बस, और ये एकदम खुल जाएगा तुरंत, देखो इजी टू है। अब संजय भैया मेरे को बताओ नट कहाँ कहाँ से कौन से नट खोले इसमें से? एक नट खोला हूँ हाँ, ये यहाँ एक नट है, यार इसमें दिखाओ ना, इसमें ये देखो, ये ऊपर एक हाँ, यहाँ पे एक, यहाँ एक, यहाँ नीचे है हाँ, यहाँ पे एक हाँ, यहाँ पे एक नट है, और सेम उस तरफ है ठीक है। ये सेंसर सॉकेट निकाल, हाँ सॉकेट निकाल लो एयरबैग का, सो इसके पार्किंग सेंसर का वायरिंग पूरा ओपन कर दिया संजय भैया, डायरेक्ट वही क्लिप था, सारे पार्किंग सेंसर एक लूप में पूरा आए हैं और उनका एक अलग से यहाँ से कनेक्शन है। हाँ कैसे कैसे खोले, एक साइड का तो खोल दिया मैं फोन पे बात करूँ तो, एक साइड का आप खोल दिए, ये दबाना है ये सारे क्लिपिंग्स खोलने हैं। किसको दिखाऊं, उनको दिखाऊं कि तेरे को दिखाऊं, दोनों एक साथ तो दिखा देता हूं मैं, पहले तू दिखा, ये सारे क्लिपिंग्स खोलने हैं बंपर से बाहर आ जाता है, और उधर का भी मतलब सेम है, तो ये क्या छोटा छोटा, ये कौन सा, ये छोटे वाले क्रोम के लाइन के। अच्छा क्रोम टूटा तो वो अलग से लग जाएगा ठीक है, और शोरूम वाला चूतिया बनाया तो समझ जाऊंगा ये अलग अलग नहीं है। अरे यार जल्दी करो, जल्दी हाथ चलाओ, क्या कर रहे हो, अरे धुरंधर लोग इसको ड्रिल करके उसमें जो फिट करना है अपन को जो एरिया में उतना, आप लोग इसको ड्रिल करके इसको गैप कर दिए, अब उसको थोड़ा घिस वीस के अच्छे से प्रॉपर पॉलिश कर देंगे, उसमें ऐसा ना लगे कि इसमें अलग से काटा है बाहर से काम हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरा उसको अच्छे से कट जो भी एजेस है उसको अच्छे से सॉफ्ट कर देंगे, यहाँ ऐसा लगे कि ओरिजिनल फिटिंग है। ये सब देख के मेरे दिल को इतना दुख हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, लेकिन ठीक है यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे तुम ही तिकड़े बगाना, बस अभी तक हम लोग किए तब जाके इतना काम हुआ है,
एक लाइट फिट हुआ मुश्किल से। पहले सोचे थे बहुत इजी काम है, बाकी हैदर भी आ गया रायपुर से। बहुत फोन आते भैया, संजय भैया काम निपट जाना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। क्या कर रहे हो, क्या पता ग्लू गन भी एकदम बेकार लाए हैं। अरे ऑडियंस भी ऐसे की बोलेंगे साला दुकान तो खोल लिया ग्लू नहीं निकाल पा रहे हैं लोग। गर्म ही नहीं हुआ अभी। अच्छा गर्म ही नहीं हुआ है, फिर ठीक है। हुआ गर्म, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक उसको सेट कर दो। नहीं उसको करेंगे अब, समझ में आ गया नहीं। समझ में आ गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अपर डिपर नहीं रखते हैं, डायरेक्ट जोड़ दो। भगवा अपर डिपर चाहिए मेरे को, लाइटी में जोड़ूंगा ना। नहीं अलग से वो मैं नहीं जानता, वो आपका काम है, आप जानो, मेरे को अलग से नहीं है। वो वहीं से वायर खींच के ले जाओ, वो मैं नहीं जानता। आदमी क्या कर रहे, आदमी बोलो भैया क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप करने का टाइम जाए, जो कर सकते थे बहुत पहले कर सकते थे, समझे। आ गया, गरम हो गया, गरम हो गया, निकला निकला पचापच एकदम। मैं राजू भाई की शॉप में आया था हैदर के साथ, हैदर अपना 11 बेच दिया और मैं अपना 13 ले लिया हूँ, और मेरा 11 प्रो हैदर ले लिया। मतलब यहाँ पे बहुत झोलझाल हुआ है, लेकिन हम लोग का काम हो गया। और कुछ भी आपको फोन वोन लेना हो तो आशु भाई की दुकान में आ जाना, हिमालयन कॉम्प्लेक्स के सामने है, तो हिमालयन है ना, हिमालयन कॉम्प्लेक्स के सामने आशु मोबाइल करके क्या मोबाइल अड्डा, तो यहाँ पे आ जाना। बढ़िया बढ़िया सेट है, जो सेट चाहिए आपको वो सेट मिल जाएंगे। नंबर 515 हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं कि इसका लाइट एडजस्ट हो जाए, अब ये फाइनल है कि अब देखते क्या होता है। 515 बार मतलब 16वीं बार में हमारा काम हो गया है। जब लाइट का थ्रो देखो क्या तगड़ा है। अच्छा मैं आपको हेडलाइट का थ्रो भी दिखाता हूँ, ये अपर डिपर इसमें शुरू हो गई है, और ये मैं हेडलाइट चालू करूँगा, हेडलाइट चालू है। ये फॉग लैंप का अपर डिपर, हेडलाइट भी चालू है। ये देख लो भाई, ये लाइट हेडलाइट चालू है और ये लाइट चालू है, इसका देखो पता ही नहीं चल रहा है कि हेडलाइट चालू है कि नहीं है। तो मेरा ये काम बढ़िया से एडजस्ट हो गया। ओके संजय भैया थैंक यू सो मच। हो गया बस थांबा तुम भी। हेडलाइट चालू किया, पता ही नहीं चल रहा, पीछे देखना। वो लाइट तो नहीं है, मैं उसका देख रहा हूँ कैसे दिख रही है दूर से। चालू करो भाई, लुक चेंज हो गया गाड़ी का, लुक चेंज हो गया। चलो बढ़िया है, परेशान कर दिया है। खोलता है फिर फिट करता है, खोलता है फिर फिट करता है, खोलता है फिर फिट करता है। हाँ सेटअप फेल हो गया, सेटअप भी कुछ किया वो फेल हो जा रहा है वो आदमी का। और देखो वो फिट भी नहीं कर पा रहा, उस बेचारे का दिमाग फिरन जाला है। इस तरफ का लाइट अच्छे से फिट हो गया, इस तरफ वाला उधर वाला थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो नहीं पता अपना क्या दिमाग लगा। इतना भड़का हुआ है कि जो मिलेगा छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे क्यों भैया यो सांस कहां से ले, पाले कहां से, उसको भी नहीं समझ आएगा उसके बाद ऐसे बूम बूम कर रहा थोड़ा सा क्या संजय भैया सेटअप फेल हो गया क्या क्या है, फेल चला जीने नहीं देंगे सबको अगर इसमें लाइट नहीं लगी तो। फिर क्या मतलब आपके सेटअप का, जब फेल हो जाता है तो अब वो देख ना उनका दिमाग ही बंद हो गया, साला ब्रैकेट फिट नहीं कर पा रहा आदमी संजय भैया क्या हो गया, कल का काम आज करने की कोशिश करेंगे। और क्या, पहले ही बोला रहन दो, हो गया काहे छेड़े, नहीं पूरा सेटअप करके जाऊंगा। नींद है अब आएगी नींद बम्पर ये छोड़ना पड़ेगा बोल देंगे। अरे भाई मैं सपने में आएगा मालूम है। तो गाइस अभी पूरे दिन की मेहनत लगी इसमें, आप देख के बोल भी नहीं सकते कि कहीं से कुछ ग्राइंड हो। पीछे हम लोग ने ग्लू डाला उसको भी सेट करेंगे, इसके पीछे पूरा ग्लू डाला है, ग्लू गन से लोग पूरा ग्लू डाले और इसको सेट किया। अब ये संजय भैया यहाँ से पूरा वायरिंग भी खींच लिए, ये देखो ये पूरा वायरिंग सब खींच के अंदर डाल दिए, केबल वेबल सब ले लिए आदमी। अब फ्यूज से देंगे, किस में से फ्यूज दे रहे हो, मतलब पावर किस में से दोगे। अच्छा ठीक है,
तो संजय भी अपना काम बढ़िया से इसके ऊपर निपटा रहे हैं। आज पूरा दिन लग गया इसमें, सुबह हम लोग 10 बजे शुरू किए थे, 6 बज रहे हैं, तो आज यही गाड़ी पूरा निपटाए हैं। तो बढ़िया से एक एक करके एक एक गाड़ी निपटाएंगे। मेरे हैदर की भी गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें फिल्म लगाना था लेकिन फिल्म लगाया नहीं पाया, वही है। बाकी नए फ़ोन में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसलिए मैं सैमसंग से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कार सुबह 10 बजे के बाद, पूरे 12 घंटों बाद, 10 क्या 11 घंटे बाद ये काम कंप्लीट हो रहा है। अभी भी संजय भी नहीं पता, कुछ तो दिमाग लगा रहे। आपको लग रहा है कि कंप्लीटेड है, मतलब नहीं है? मेरे को तो लग रहा है नहीं है। संजय भी कल और देखेंगे, अभी क्या संजय भी का दिमाग काम नहीं कर रहा है इसलिए अब इसको पैक कर रहे। लेकिन ये अच्छा लग रहा है, ये क्रोम क्रोम मैच कर रहा है इसमें, मतलब नीचे क्रोम की ये लाइन है, ये क्रोम उसमें, तो ये थोड़ा दूर से ऐसे अच्छा लग रहा है। दुकान बढ़ा के अब घर आ गया। आप ये देख सकते हो, ये सिर्फ फॉग लाइट है, ये आप देखो मेरी लाइट पार्किंग में है और ये सिर्फ फॉग पे इतना लाइट आ रहा है, बाकी आप देख ही सकते हो क्या थ्रो है इसका। मतलब मैं तो फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इस चीज से। लग रहा है लाइट आपको फिर एकदम बढ़िया? मजा आ गया? मजा आ गया। ठीक है चलो, इसको तो बाकी और सेट करेंगे कल, पूरा काम तो हुआ नहीं है अभी फिलहाल, बाकी कल सेट करके और कितना अच्छे से इसका एंगल सेट होता है वो देखते हैं, क्योंकि अभी क्या संजय भी अभी थक गए हैं, तो फिर क्या ऐसे में काम करने करवाया कोई मतलब नहीं, मजा नहीं आता है, आदमी भी थक गया है, एक्स्ट्रा अपन करवाएं, ऊपर से 10 भी बज गया सुबह 10 से 10, क्या इतना बनता नहीं है ना करना। नो डाउट ये हम लोग की पहली गाड़ी थी इसलिए थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि इतना समय लगा, पहली गाड़ी थी करके अब तो आइडिया हो गया कैसे क्या लेना है एंगल, तब दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दूसरी गाड़ी होगी तो इसलिए क्या अपनी गाड़ी छेड़ो पहले फिर लोगों की छेड़ो। ओके, ये वाला संजय भी पहली बार किए थे, ये अलग से इस टाइप का फॉग लैंप भी ऑडी में बिठाना वो तो किए हैं पहले, लेकिन थोड़ा सा है इसलिए, बट ठीक है बढ़िया से ये भी लाइट सेट हो गया। ये देखो वापस आपको दिखाता हूँ, ये सिर्फ फॉग लाइट है, ये हेडलाइट बंद कर दिया हूँ मैं, ये देखो हेडलाइट बंद है और ये सिर्फ फॉग लाइट का इतना ही, इतना ज़्यादा लाइट है। अभी इसका वायरिंग कुछ जोड़े नहीं है, सुबह इसका वायरिंग जोड़ेंगे। 2000 years later. आज सेकंड डे है और ये संजय भी अपना कुछ कुछ दिमाग लगा रहे, नहीं पता क्या मेरे को भगा दिए थे घर में, अभी आया हूँ और ये आदमी अभी सुबह आए गाड़ी ले बोले कि भैया गाड़ी ला दो, मैं लाया गाड़ी और बोले घर भग जाओ, अभी नहीं पता क्या कर रहे हैं वापस, डिलर फिलर सब लेकर आ गए वापस से। बताओगे क्या कर रहे हो, थोड़ा दिमाग बताओगे अपना? लास्ट में बताऊंगा ना। ओके ओके। दूसरे दिन का 5 बज गया सुबह, आज सुबह भी 10 बजे से काम शुरू हुआ है, दूसरे दिन का 5 बज गया, अब जाके आदमी का काम ख़त्म हो रहा है ऑलमोस्ट। ये देख रहे हो एकदम OEM फिटिंग, एकदम OEM फिटिंग आ गई, मतलब 50% तो हो गया, 50% तो हो गया। क्या कर रहे हो अभी? अच्छा लॉक, ओके ठीक है, कल से ऐसी है ये, ना घूम पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ इस आदमी के चक्कर में। बताएगा मेरे को ये OEM फिनिशिंग, देख रहे हो हम लोग की फिनिशिंग, ये देखो कोई बोलेगा नहीं कि इसको हम लोग ने कितना मेहनत से लगाया है, अभी भी इसमें थोड़ा सा काम बचा है, हल्का फुल्का पेंट वेंट करके थोड़ा सा एकदम प्रॉपर फिनिशिंग करना है, पुट्टी वुट्टी लगा के वो हम लोग करेंगे अभी, क्या 2-3 दिन बाद करेंगे, अभी उसको देख लेते हैं कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा, उस हिसाब से फिर मैं इसको करूँगा। बाकी ये लाइट से ज़्यादातर इस लाइट का है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, तो अब ये लाइट को मैं करूँगा कुछ तो, आप लोग सोच लेना मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, कुछ तो करूँगा मैं। मेरे से डर लगने लगा है? ना। अब फूफा से नहीं लगता? नहीं लगता मेरे को, फूफा को संभाल लूंगा, फूफा को मैं, मेरे को नहीं संभाल पाओगे ऐसा? हाँ कायदे से एक दिन तगड़े से भड़कना पड़ेगा आपके ऊपर है, गलती करूंगा तो भड़केगा ना भाई? नहीं करूंगा तो नहीं भड़केगा? तो फिर मैं भड़कूंगा ऐसा? चिंतन तो ऐसी भड़कता है फिर आपके ऊपर तो। अबे साला मैं तो यूं ही बदनाम हूँ, मैं यूं ही भड़कता हूँ संजय भैया, हैं हैं पटी पटी में हाथ बोल रहे मैं फोकट में फट भड़कता हूँ? नहीं नहीं भाई, इसमें अब सब हो गया, बस ये हो गया था, लेफ्ट राइट लग गई थी लाइट,
तो बीम है ना, एक इधर जा रही थी, एक बीम उधर जा रही थी, तो ये स्प्रेड हो रही थी। अब ये हो गया ठीक। बस अब संजय भैया को समझ आ गया क्या करना है, और संजय भैया सब कर देगा। जोर से बोलो। कुछ नहीं बोल रहा भाई, कर रहा हूँ मैं तो काम। सो मैं अभी शादी में गया था, एक जगह शादी थी तो वहाँ पे गया था, घर वालों को छोड़ा, और अभी ये बस सेठ जी के यहाँ आया हूँ। थोड़ी देर बैठेंगे, चिल विल करेंगे, उसके बाद फिर घर जाऊँगा। अब देखते हैं इन लोग का भी आगे क्या प्लान बनता है। बोलते कुछ खाने पीने, मैं बोला खा तो लिया हूँ मैं, बोला अब तो मैं खाऊँगा कुछ नहीं, मैं टेस्ट जरूर कर लूँगा। देखते हैं अभी कहाँ जाते क्या है। कुछ तो बोल रहे थे कहीं तो जाएंगे ऐसा वैसा, तो मैं बोला चलो देखते हैं, आता हूँ। बाकी लाइट लग गई, बहुत तगड़ी लग रही है लाइट भाई, मज़ा आ गया। मतलब हेडलाइट दिख ही नहीं रही है मेरी, जो इंटेंसिटी है लाइट की वो कम, इतनी मतलब कम हो गया। ऑब्वियस सी बात है, बल्ब को भी मेरे हिसाब से 2019 20 21 22 23 24 वही 6 साल, मतलब 5वां साल गाड़ी का ख़त्म हुआ, छठवां लग रहा है ये, तो 5 साल का तो ये बल्ब हो गया, तो उस हिसाब से भी कोई बुरा नहीं है। लेकिन हाँ भाई, हेडलाइट में मज़ा तो आ गया। मैं आपको एक बार बता दूंगा कनेक्शन कहाँ से कैसे कैसे लिए। एक्चुअल में कनेक्शन कुछ कैसे कैसे नहीं लिए, ये ऐसे एक अलग से इसमें बटन दे दिए, तो ये ऐसे ऑन ऑफ करने के लिए, सॉरी ये ऐसे ऑन ऑफ करने के लिए दिया है बस। एक जगह डिपर है, एक जगह ऊपर है बस। इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं है, डायरेक्ट वायर गई है। एक फ्यूज़ में ऐसे एक वायर आएगी, अगर इफ़ इन केस कुछ हो तो वो फ्यूज़ उड़ जाए तो कहीं गाड़ी को भी हार्म ना हो। तो इसमें कोई भी वायरिंग नहीं कटी है, कुछ भी नहीं है, सब डायरेक्ट डायरेक्ट है। और ऐसा भी नहीं कि इग्निशन पे नहीं है, इग्निशन पे ऊपर से, जैसे देखो इग्निशन बंद है, ये मैं लाइट चालू किया कुछ नहीं हो रहा, और ये मैं इग्निशन चालू किया, ये देखो लाइट चालू, और इग्निशन बंद करते बस हो गया।